पावर कॉर्पोरेशन और स्थानीय विद्युत प्रशासन स्तर की कुल 19 सूत्रीय मांग को लेकर शनिवार को मोदीपुर स्थित विद्युत पेंशन परिषद भवन में विद्युत पेंशन परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा 22वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। पावर कॉर्पोरेशन स्तर की मांगों में मुख्य मांगे सप्तन वेतन आयोग के संस्तृत के अनुरूप पेंशनरों के एरियर का भुगतान शीघ्र किया जाए, जबकि स्थानीय विद्युत प्रशासन स्तर की मांगों की मुख्य मांगे छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप अवशेषों का भुगतान कराया जाए। सम्मेलन में इंजीनियर शेखर अग्रवाल, इंजीनियर एच आर आजमी, बी के खरे, इंजीनियर वाई एन श्रीवास्तव, इंजीनियर टी एन वर्मा, इंजीनियर अर्जुन लाल श्रीवास्तव, इंजीनियर विनोद राय सहित अधिक संख्या में विद्युत पेंशनर्स मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सम्मेलन के मुख्य अतिथि इंजीनियर देवेंद्र सिंह ने कहा, खाने से लेकर के बोर्ड होने तक बड़े बड़े ट्रांसमिशन की लाइन प्रोजेक्ट पावर हाउस बनाने का काम किया। हम सेवानिवृत्त हो गए, एक दिन यहां भी सेवानिवृत्त होंगे। हमें क्या चाहिए? जीने के लिए पेंशन मिल रहा है। कितना पेंशन मिल रहा है उतने में जो है हमारे परिवार के अलावा बच भी जा रहा है। साथियों, मुझे अगर पेंशन लेना है तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि अगर आपको लेना है तो पेंशन, अरे मत पालिए टेंशन। अगर टेंशन पालेंगे तो पेंशन नहीं मिलेगा, अगर पेंशन लेना हो तो टेंशन मत पालिएगा। नाती पोता का समाचार क्यों पूछ रहे हैं बार बार? ये विद्युत पेंशनर्स परिषद है, उसका वार्षिक अधिवेशन है। इसमें जो विद्युत परिषद से रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी सब इस बहाने इकट्ठे होते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी समस्याओं को उचित माध्यम से शासन तक पहुंचाते हैं, जिससे समय का जो अंतराल है, क्योंकि सब लोग अलग अलग अगर शिकायत करेंगे, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर ऊपर जाएंगे तो उसमें समय लगेगा, तो इनकी समस्याएं यहाँ पे सुनी जा रही है, जिनका निस्तारण लोकल स्तर पे हो सकता है उन्हें निस्तारित कर दिया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में उन्हें उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाएगा।